हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हाय, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्वेता एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल श्वेता सुम की दुनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी मंथ्स के बाद मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करके लाइक शेयर एंड कमेंट मेरे वीडियो को जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये आज का जो वीडियो है, ये छोटा बाकी डैम के का वीडियो है, जो कि मैं गई थी 15 दिसंबर को। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, छोटा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 5 या 6 मिनट का वीडियो है, आप देखना और आप ज़रूर लाइक करोगे। बहुत ही सुंदर व्यू है। और छोटा बाकी बांध, छोटा बाकी डैम, जिसको आप हुल्लुंग बांध के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग जानते ही हैं इस बांध के, जो लोग नहीं जानते मेरे वीडियो देख के आप उसको मतलब फॉलो कर सकते हो। तो ये है जमशेदपुर टाटा नगर से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित, और इजीली यहाँ पे आप व्हीकल्स अवेलेबल, आपको किसी से भी आ सकते, बाय कार, बाय बाइक, बाय स्कूटी से। बट आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो पिकनिक का टाइम होता है, उस पे आना ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा आउटसाइड, ऑब्वियसली डैम है तो आउटसाइड में ही है। आप देखते रहिए मेरा वीडियो और आपको ज़रूर पसंद आएगा ये मेरे वीडियो। व्यू जो काफी ज्यादा सुंदर है, तो पहुंच गए हैं डैम, तो चलिए देखते हैं। मैं भी आई हूँ फर्स्ट टाइम। एक्चुअली छोटा बाकी डैम जो है वो हमारा गांव है, और यहाँ हमारी बहुत सारी ज़मीन है, खेत उत है, और इसलिए थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हम सोच रहे थे कि मैं सोच रही थी कब आऊँ, कब देखूँ यहाँ का डैम। तो चलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जमशेदपुर से 2 3 टन टन ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। ये है नेचर और इट इज़ सो ब्यूटीफुल, देख सकते हो आप। बहुत ज़्यादा डीप है ये बाकी डैम, और ये अकेले आने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आप आ सकते हो जनवरी, अभी पिकनिक के टाइम में आप आ सकते हो, पर ये डैमों वाली जगह तो अब जाहिर सी बातें इस तरह से अकेले आना ठीक नहीं है। तो आए तो हम सब ग्रुप में आए, पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक बार देखना तो बनता है, एक बार या हम तो हज़ार बार देखें, क्योंकि हमारा गाँव है तो आ ही सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और बहुत हवा चल रही, ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर है। तो हम थोड़ा नीचे आके यहाँ देख रहे थे व्यू, थक गया।
अगर आप मनोरम दृश्य देखना चाहते, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल व्यू देखना चाहते इससे भी ज़्यादा, तो आप रिस्क लेके, ये आउटसाइड एरिया है, तो शाम से पहले मॉर्निंग के टाइम में आप आ सकते हो, जुलाई मानसून के टाइम में, जुलाई अगस्त के बीच में, ताकि ये पानी से पूरा भरा होता है डैम, और ये जो नेचर, जो प्राकृतिक दृश्य होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, आप देख सकते हो उस टाइम। दलमा पहाड़ियों के बीच छिपा ये डैम, तीन पहाड़, तीन तरफ के पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अवेसम। सबसे पहले हम गालुडी वैष्णो देवी माता मंदिर गए थे, और मैं वहाँ का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपको दिखा पाऊँगी मैं जब नेक्स्ट जाऊँगी, तो आप देख सकते हो पिक्स मैंने लिए थे। तो अभी के लिए बाय बाय बाय।